दोस्तों आए दिन आप लोग इंडियन रेलवे ट्रेनों से यात्रा करते रहते होंगे, लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ रूल्स के बारे में बताने वाला हूँ, जिनका दोस्तों आपको यह बातों का ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, जिसके कारण दोस्तों हो सकता है काफ़ी सारे लोग ट्रेन में यात्रा करने के बाद लड़ झगड़ जाते हैं अपने सीट को लेकर के। आपने कभी लोअर बर्थ मिला होगा अगर आपको तो कभी, या फिर खास करके अगर आपका सीट जो है आरएसी में चला जाता है तब काफ़ी सारे लोगों को दिक्कत होता है कि अरे तो मेरा सीट है। कई लोग वही आ जाते हैं, कोई दूसरा लोग कहते हैं ये तो मेरा सीट है, देखिए मेरा टिकट कंफर्म हुआ है, ये मेरा सीट है, मैंने बुक करा रखा है, आप कैसे यहाँ पर बैठ गए। और काफ़ी सारा टिकट चेकिंग टीटी कब टिकट चेक कर सकता है, इन प्रॉब्लम्स को भी लेकर काफ़ी सारे लोगों को अवेयर अभी तक नहीं हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको इन्हीं सारा के बारे में बताने वाला हूँ, कुछ रूल्स के बारे में, जो कि आप सभी को दोस्तों काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला रूल के हम बारे में बात कर लेते हैं कि अगर आप इंडियन रेलवे के ट्रेनों में यात्रा करते हैं तब दोस्तों यहाँ पर टीटी टिकट चेक आपसे कब से कब तक कर सकता है, क्योंकि दोस्तों इसका भी एक रूल्स होता है। मान के चलिए कि आप लोग ट्रेन में सुबह के चढ़ गए हों 9 बजे, और अगर आप मान के चलिए नाइट में सो चुके हैं 1 बजे, रात के 2 बजे रहा है रात को, और टीटी आए आपसे नींद जगा करके, नींद उठा करके आपको कहे कि आप टिकट चेक कर दिखाइए, टिकट दिखाइए, टिकट चेक करवाइए, तब क्या दोस्तों यह राइट टाइम है टीटी टिकट का चेक करने का? तो क्या दोस्तों टीटी कभी भी आपसे टिकट चेक कर सकता है? ये दोस्तों आपको बात जरूर ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों टीटी का भी टाइमिंग फिक्स होता है टिकट चेक करने के लिए। तो दोस्तों टीटी आपका टिकट सुबह के 6 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक ही सिर्फ और सिर्फ चेक कर सकता है, रात के 10 बजे के बाद वह चेक नहीं कर सकता है। सुबह के 6 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक यह पूरा टीटी के पास राइट होता है, यह पूरा टीटी के पास अधिकार होता है कि आपसे वो टिकट चेक कर सकते हैं। लेकिन रात को 10 बजने के बाद और 6 बजे सुबह से पहले टीटी आपसे टिकट चेक कर ही नहीं सकता है। लेकिन दोस्तों इसमें एक छोटा सा पॉइंट है, सिवाय आपका ट्रेन रात के 10 बजे के बाद से लेकर के सुबह के 6 बजे तक ना हो। अगर दोस्तों आपका ट्रेन रात के 10 बजे के बाद से सुबह के 6 बजे तक ही होता है तो दोस्तों यह नियम आप पे फॉलो नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों आपका ट्रेन रात के 10 बजे के बाद है तो दोस्तों आपसे टिकट चेक रात के 10 बजे के बाद भी कर सकता है। लेकिन अगर आप ट्रेन में घुसे हुए हैं रात के 10 बजे से पहले तब दोस्तों यह टीटी के पास पूरा राइट है कि वह रात के 10 बजे तक ही टिकट चेक कर सकता है और सुबह के 6 बजे तक ही। तो दोस्तों सबसे पहले नियम के हम बारे में बात कर लिए कि टीटी जी आपसे टिकट कब तक चेक कर सकते हैं। अब हम दोस्तों दूसरा बात कर लेते हैं लोअर बर्थ सीट को टाइमिंग को सोने और बैठने का नियम, उसके बाद हम लोग आरएसी टिकट के बारे में आएंगे। तो दोस्तों अगर आपको इंडियन रेलवे में एक कन्फर्म टिकट में लोअर बर्थ सीट अलाउट हुआ है तो दोस्तों लोअर बर्थ के लिए आपको टाइमिंग जाना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों अगर आपका एक लोअर बर्थ सीट अलाउट हुआ है तब दोस्तों आप यहां पर रात के 10 बजे से लेकर के सुबह के 6 बजे तक आप लोअर बर्थ में सो सकते हैं, और मिडिल बर्थ अपना मिडिल बर्थ खोल करके सोएगा और अपर बर्थ तो अपर बर्थ में सोएगा। लेकिन दोस्तों 6 बजे सुबह के बाद और रात के 10 बजे तक मिडिल बर्थ को जो है वो सीट ओपन करना पड़ेगा, मतलब खोलना पड़ेगा, और अपर बर्थ तो वैसा ही रहेगा। तो अपर बर्थ और मिडिल वाला बर्थ को यह पूरा अलाउ है कि वह लोअर वाले बर्थ में आकर के बैठ सके सुबह के 6 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक। ऐसा नहीं है कि सुबह के 6 बजे के बाद भी मिडिल बर्थ आप खोले हुए हों, चूँकि आपका मिडिल बर्थ में सीट है तो लोअर बर्थ वाला जब बैठेगा तो प्रॉब्लम्स हो सकता है, इसलिए आपको मिडिल बर्थ खोलना ही पड़ेगा और आपको यहाँ पर लोअर बर्थ में बैठने की अनुमति मिलती है। तो आप लोग लोअर बर्थ में आकर के बैठिए, और अपर वाला बर्थ भी चाहे तो लोअर बर्थ में आकर के बैठ सकता है। लेकिन दोस्तों सुबह के 6 बज जाने के बाद आपको लोअर बर्थ वाला सीट खोलना जरूरी होता है। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं तीसरा रूल के बारे में, जो कि हमको लगता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है आरएसी टिकट के बारे में, कि आरएसी टिकट अगर आपको मिला है तो कहाँ पर बैठना, कहाँ पर सोना, कितने बजे सोना उठना रहता है, ये सारा मैं आपको नियम बताने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि अगर आपको आरएसी टिकट मिला है तो अक्सर यात्री झगड़ जाते हैं आरएसी टिकट को लेकर के, खास करके यह यूपी और बिहारों में ज़्यादा होता है, मैंने अक्सर देखा है। कई बार एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, जब मेरा पहला बार सीट आरएसी में आया था तो मैं चौंक गया था कि यार ऐसे आरएसी में ऐसे मिलता है सीट क्या, मतलब कि अगर आपको आरएसी में मिला है तो आपको पूरा बर्थ तो नहीं मिलेगा, क्या बर्थ मिलेगा मैं आप लोग को बताता हूँ। तो सबसे पहली बात, अगर आप एक सिंगल
टिकट बुक किए हैं और ट्रेन चर बन जाने के बाद अगर आपका टिकट आरएसी में आ चुका है तो यहाँ आप सुनिश्चित कर लीजिए कि आप लोग यहाँ पर एक फोटो देख सकते हैं। ऐसा आपको टिकट मिलेगा जिसमें आधा टिकट आपका रहेगा और आधा टिकट एक और लोग का रहेगा। तो अगर आप सबसे पहले चले जाते हैं तो ऐसा नहीं मान लीजिएगा कि यह पूरा सीट मेरा है, नो 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 नो, वह एक और पैसेंजर आएगा जो कि आपको आधा इधर मिला होगा, अगर आधा इधर मिला होगा। जैसे कि दोस्तों अगर आपको मिला है RAC S520 नंबर तो यह बात मान लीजिए कि RAC S520 नंबर एक और लोगों का है, तो दोनों लोगों को सीट शेयरिंग करके जाना पड़ेगा। लेकिन सीट शेयरिंग का भी एक रूल होता है। यहाँ पर रूल क्या होता है, सबसे पहले हम सोने के बारे में बात कर लेते हैं कि रात के 10 बजे के बाद और सुबह के 6 बजे तक RAC में जो दो लोगों का मिला है वो एक साइड उनका हो जाएगा सीट और एक साइड एक और लोगों का सीट हो जाएगा। लेकिन सुबह 6 बज जाने के बाद RAC में जो नीचे वाला लोअर बर्थ दो लोगों का सीट मिला है वो एक सीट पर ही इन दोनों लोगों को बैठना होगा और जिनका एक अपर बर्थ होगा वो रात के 10 बजे तक और सुबह के 6 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक उनका एक सीट होता है, वो नीचे आकर के बैठ सकते हैं। काफ़ी सारे लोग इनके बारे में नहीं पता है कि अच्छा अपर वाला को भी नीचे वाला सीट है। तो जी, सुबह के 6 बजे के बाद से रात के 10 बजे तक जिनका अपर साइड मिला है वो नीचे आकर के आधा सीट में वहाँ बैठ सकते हैं और आधा सीट में दो लोगों को आप लोगों को RAC में इन्हीं में बैठना होगा। तो यह रूल होता है RAC वालों के लिए। तो जिनका साइड अपर मिला होता है वह सुबह के 6 बजे के बाद नीचे आ जाएंगे और वो आधा सीट पर वो बैठेंगे रात के 10 बजे तक और आधा सीट में आप दोनों को बैठना होगा रात के 10 बजे तक। लेकिन जैसे ही 10 बजेगा तो आप दोनों आधा आधा बांट लीजिएगा और जो आधा में सीट रहेगा ऊपर बैठने वाला वो ऊपर चला जाएगा सोने। तो दोस्तों ये होता है RAC टिकट का नियम। और हाँ दोस्तों, अगर आपको एक RAC टिकट मिला है तो 100% हमेशा और हमेशा आपको साइड लोअर में ही मिलेगा, खिड़की वाला ही सीट मिलेगा। तो दोस्तों आप निश्चिंत रहिए कि अगर आपको एक RAC में टिकट मिला है तो एक फायदा है कि आपको खिड़की वाला सीट मिलेगा जिससे आप हवा आसानी के साथ लेकर के मजे के साथ सफर कर सकते हैं। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया RAC टिकट को लेकर के, लोअर बर्थ को लेकर के, टिकट चेक करने का टाइमिंग को लेकर के इन सभी नियमों के बारे में, जो कि मुझे लगता है आप सभी के साथ यह बातें शेयर करना जरूरी था। तो दोस्तों अगर आपको यह बातें पता थी तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइए और अगर आपको नहीं भी पता थी तो भी मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। और अगर दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मेहमान बन जाइए। चलिए फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।